सो जजेस, मुझे बता दीजिए मेरा मूवी नाइट अच्छे तरीके से शुरू होने वाला है या खराब तरीके से? बेटर तो नहीं, लेकिन इक्वली आई थिंक बाय द लुक्स ऑफ इट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो डेफिनेटली आई वुड गिव इट अ पास. आई वुड टू आल्सो गिव इट अ पास. तो मेरा जो एक्सपेरिमेंट था इस डिश के लिए सक्सेसफुल रहा. Shall we go on to the next dish? What is it? नाचोस सबका फेवरेट होता ही है, पर अगर आप देसी सिनेमाज में चले जाएं, जहाँ पे भारी भरकम पॉपुलेशन में एक नई शाहरुख खान की फिल्म देखने लोग आते हैं, उस थिएटर में समोसे मिलते हैं दो दो एक बार में, कपल जोड़ी आती है. तो मैं सोच रहा हूँ आज वो समोसों को हेल्दी बना ही दूं. 30% बेटर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, कोशिश करते हैं. वेल, आई गॉट अ ग्रेट स्टार्ट. मूवी की शुरुआत अच्छी हुई है. सो आई विल बी बैक. शेफ के डेब्यू डिश को एक्सपर्ट्स ने पास किया, पर अब चैलेंज और भी मुश्किल है, क्योंकि अब शेफ के सामने हैं समोसे, डीप फ्राइड, अनहेल्दी फिलिंग और उससे भी डेंजरस मैदे की कोटिंग बनाती है इसे एक बदनाम रेसिपी. कैसे देंगे शेफ इसे अपना ट्विस्ट, ये तो सिर्फ समय बता पाएगा. इन समोसों को आज बनाऊंगा मैं हेल्दी. तो क्या करना है भाई साहब, पहले आटा गूंदेंगे. जी, मैदे से नहीं बनाएंगे, आटे से बनाएंगे समोसे. आटा डालने के बाद थोड़ा सा नमक डालूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है अजवाइन. अब जी देखिए, समोसे मैं डीप फ्राई तो नहीं करूंगा, तो इसलिए मेरे को इजाजत होनी चाहिए एक बड़ा चम्मच घी इसमें डालने की, ताकि मैं रब कर पाऊं आटे को इसके साथ और समोसे वाला टेक्सचर जो है फिर भी आ जाए. समोसे को आटे से बनाकर और बिना डीप फ्राई किए शेफ ले रहे हैं एक रिस्क, शायद ये उतना टेस्टी ना बन पाए. अरे विलन आ गया, विलन आ गया. विलन के बिना ना मूवी में मजा नहीं आता. कोई नहीं, अब स्वाद कैसे आएगा वो भी देख लेंगे. अंदर फिलिंग अभी डालनी बाकी है, उससे पहले काफी एक्शन सीक्वेंसेस होंगी, लव सॉन्ग्स होंगे, तब पता चलेगा कि क्या होगा. अब ये मसलने के बाद पानी से इसको गूंदूंगा मैं. अब आलू की फिलिंग तैयार करते हैं, इसको 10 मिनट साइड रख देते हैं. चलिए जी, आलू की फिलिंग हो गई, डन डना डन. अब आप समझ ही गए होंगे हम कहां जा रहे हैं, समोसे बनाने हैं. समोसे का क्रस्ट भी हेल्दी है और फिलिंग भी. लगता है शेफ की ये अगली रेसिपी सुपर हिट होगी. अब आया विलेन समोसे के नीचे. ये देखिए, ढंग से फिलिंग भरी है, शानदार समोसे की शेप में. आटे के बने हुए समोसे, अंदर है बनाना और साथ में स्वीट पोटैटो. हेल्दी है और टेस्टी भी होने वाले हैं. एयर फ्रायर में अब हम समोसे डाल देंगे और यही है मेरा हथियार. देखिए एयर फ्रायर को कैसे ये समोसे को बनाएगा पुराने समोसे की तरह. डिग्री में पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए. 4 से 5 मिनट में थोड़ा सा तेल से ब्रश भी करेंगे. इतना सा घी गरम गरम आधे पके हुए समोसों पे. बस जी बस, एक ब्रश का स्ट्रोक बहुत है. ओह जी, चलिए जी, विलेन तो हो गया आउट. अब देखते हैं क्रिटिक्स इसको कितने पॉइंट्स देते हैं. चलते हैं.
शेफ के रॉ बनाना और स्वीट पोटैटो वाले एयर फ्राइड समोसे हेल्दी तो हैं, पर क्या जजेस को इम्प्रेस कर पाएंगे शेफ सारांश? सो जजेस, हाँ, आपने किसी अच्छे मूवी हॉल से लग रहे समोसे मंगाए हैं। मैंने अपने मूवी हॉल में समोसे बनाए थे। सो व्हाई डोंट यू टेस्ट इट? मुझे पता है काफी अच्छे। तो आपको यह लगता है कि मैंने क्या अलग किया अपने समोसे के साथ? शेफ ने दिया है समोसों को एक कंप्लीट मेकओवर। ये बनाने के लिए उन्होंने एक बोल में गेहूं का आटा, नमक, अजवाइन और घी डालकर अच्छी तरह मिला लिया। फिर शेफ ने पानी डालकर आटा गूंथ लिया। फिलिंग बनाने के लिए शेफ ने पैन में तेल गरम किया और उसमें जीरा, हरी मिर्च, कच्चा केला, स्वीट पोटैटो, मटर, धनिया पाउडर, अमचूर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह पका लिया। शेफ ने आटे को बेलकर ट्रायंगल्स तैयार किए और उसे फिलिंग के साथ स्टफ करके सील किया है। सारांश ने समोसों को एयर फ्रायर में पकाया है 180 डिग्रीज पर 10 से 12 मिनट के लिए सिर्फ थोड़ा सा घी ब्रश करके। अब ये समोसे ओरिजिनल लगते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ हमारे एक्सपर्ट्स बता सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि समोसा यूजुअली एक पंजन टेस्ट होना चाहिए उसको। Generally, exactly. that is how it should be. यहाँ पे जो replacement use की है sweet potato और कच्चे केले की, तो वो sweet potato is actually making it taste a little sweet. जैसे कि सूरन है या कंद है, अगर ऐसी कोई vegetable use की होती तो शायद वो जो गरम मसाले का जो spiciness है वो शायद उसमें अच्छी तरह से निखर आता। Yes, but what do you think from the, do you think he's used the sweet potato and the kacche kele because of its health aspect rather than, you know, the potatoes and the yam being a little... Yes, that is so, true, yes, because sweet potato, जैसे कि उसका जो starchiness है वो कम है, तो उसका जो release of sugar होता है उसमें से वो बहुत ही slow और delayed रहता है. तो from that point of view, yes, definitely the sweet potato scores. I think उनका जो, you know, the masala which he's used could have been a little bit more intense. A little more intense, that is true. That is true. Maybe we should just... But yeah. What do you think? But otherwise, air fry kiya hua, that's a very excellent idea. Correct. Yes, it is quite crispy also. जी, मैंने तो पूरी कोशिश की है आलू निकालने की। अब मीठा लग रहा है तो प्लॉट थोड़ा बदलना चाहिए था, तो फिर मुश्किल है ये वाला। कैसे लगे आपको मेरे वाले समोसे? तो टेस्ट के हिसाब से